यहाँ तक माना है कि माननीय मोदी जी भी आ जाएंगे तो उनके मुकाबले टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या है। कोई माफिया भी कहता है, माफिया तो गेहूं का हमरे को चोर नहीं के होगा, तो भाजपा को हम चैलेंज दे रहा हूँ कि ईवीएम हटा कर चुनाव लड़े तब तक गिरुआ है तो गिरुआ हम ढोंगी वाले नहीं है, ये सब ढोंगी वाले है। आते तो थोड़ा बहुत मुकाबला होता, थोड़ा बहुत। मनोज सिन्हा जी हैं, वो आपकी पहली पसंद है? पहली पसंद है। और पूर्वांचल की कैसी सीट जहां पर जो राजनीतिक जानकार है वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या होगा। मैं सुशील तिवारी से मैं आ चुका हूँ गाजीपुर जिले में, जहाँ पर अफजाल अंसारी सांसद है और चुनावी ताल कौन ठोकेगा, कौन सा प्रत्याशी उनको टक्कर देगा, लेकिन लोग सीधा मुकाबला यही कह रहे हैं कि जो भी लड़ेगा अफजाल अंसारी से लड़ेगा। भाजपा ने यहाँ पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, भाजपा के लिए गाजीपुर जिला सिर दर्द रहा है। इससे पहले यहाँ पर बगल में मनोज सिन्हा जब यहाँ रेल राज्य मंत्री थे। आखिर जनता की चौपाल, जनता का मूड क्या है, इस बार का चुनाव कैसे हो, कैसा होने वाला है, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश यादव, ग्राम बवाड़े गाजीपुर से। इस बार का चुनाव माननीय अफजाल अंसारी साहब को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके सामने भाजपा को अभी कैंडिडेट नहीं मिल पाया है। भाजपा पेशोपेश में पड़ी है कि हम किसको अपना प्रत्याशी बनाएं। पेशोपेश में पड़ी है भाजपा, भाजपा के नेताओं ने होर्डिंग लगा दिया है कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार एक बड़ा कुनबा है, लेकिन उस कुनबे में क्या गाजीपुर जिले के लिए एक भी प्रत्याशी नहीं है? सच है, सच तो यही है कि उस कुनबे में गाजीपुर से अभी तक कोई नहीं मिल पाया है। वो तलाश रहे हैं कि गाजीपुर से अपने परिवार से किसी को दें, लेकिन वो हमें नहीं लग पा रहा है कि गाजीपुर से अपने किसी प्रत्याशी को दे पाएंगे। और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होने के नाते जो है ये कोई उनके मुकाबले ऐसा मिल नहीं रहा है भाजपा को, मेरा तो यही मानना है। अगर ओम प्रकाश जी मैं आपसे पूछूं तो लोग कहते ना कि इससे पहले जब बसपा थी सपा था तो दोनों वोट मिले थे जब वो बसपा के बैनर तले चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जब अलग हुए हैं तो अभी बहन जी ने भी कुछ कहा नहीं, वो भी चुप हैं, तो क्या इस बार का कुछ ऐसा समीकरण होगा या फिर चुनाव वही रहेगा? मानिए अफजाल अंसारी साहब सामंती ताकतों से बराबर लड़े हैं, दलित वोटर या पिछड़ा वर्ग का वोटर या पीडीए का जो नारा है माननीय अखिलेश यादव जी का, उस पर उन्होंने जो फोकस किया है वो बराबर से दलित पिछड़े का वो जो बराबर जो है साथ दिए हैं। जैसा कि एक बार शेरपुर में जैसा सुनते हैं हम लोग, शेरपुर में एक बार दलित बस्ती को जो आग लगा दिया गया था, उन्होंने भी जाकर के उनके परिवार के लोगों ने जाकर के वहां मुकाबला किया था उन सामंती ताकतों से। जोगामू साहिब में एक बार ऐसी घटना हो गई थी, वहां भी दलित लोगों को चार लोगों की हत्या करके नदी में फेंक दिया गया था और बड़ी बाधाएं थी, लेकिन वो लोग अपने परिवार के साथ जाकर खड़े होकर के उन लोगों ने वहां से उनको निकालने का काम किया था, उन दलित बस्तियों को लोगों को जो है लेकर के पोस्टमार्टम कराना, उनका जो है मुकदमा लिखवाना और उनकी लड़ाई लड़ना, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ना उन लोगों ने किया था। इसलिए दलित उनके साथ खड़ा है, दलित कोई ये नहीं है, दलित किसी के पक्ष वो नहीं है कि नहीं हम मायावती जी के साथ हैं तो साथ हैं। वो दलित वोटर अपने नेता को भी खोजता है और उनका परिवार का इतिहास रहा, वो लोग निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं, उनका अपना वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते उनका डबल वोट बैंक हो जाता है। पीड़ित जाता है तो उनका आर्थिक रूप से मदद करना, किसी की शादी के लिए, किसी की बीमारी के लिए या किसी को कोई थाने पर प्रताड़ित करता है तो वो लोग खड़े होकर के उनका पक्ष लेते हैं और वो खड़ा रहते हैं। भाजपा की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है मनोज सिन्हा जी आए, लेकिन अब ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद अभिनव सिन्हा जी आ जाएं, या फिर बीच बीच में ब्रजेश सिंह की बात हुई, बाद में राधे मोहन सिंह की भी बात आई, फिर किसी ने कहा नहीं राधे मोहन सिंह को भी टिकट मिल सकता है, फिर अलका राय का नाम आया, तो अगर मैं आपसे कहूं आखिर मुकाबला कोई कौन कर सकता है? मुकाबला तो किसी से नहीं है और प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कैसा आता है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि माननीय मोदी जी भी आ जाएंगे तो उनके मुकाबले टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी जब चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी में तो माननीय मुख्तार अंसारी साहब, जिनको माफिया कह के भाजपा बुलाती है, माननीय मुख्तार अंसारी साहब ने जो है उनको कड़ी टक्कर देने का काम किया था। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो लोग अगर वहां बेईमानी नहीं किए होते तो मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे उनको पटकनी देने का काम मुख्तार अंसारी करते। लेकिन प्रकाश जी, गाजीपुर में क्या मुख्तार के सामने लड़ने वाला कोई नहीं है? लड़ने वाले चुनाव का जहां तक मामला है वो लोग जनप्रिय नेता हैं, लड़ने के लिए कोई आएगा तो कोई मना नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हाँ, बातें संवैधानिक होनी चाहिए, बातें संसदीय होनी चाहिए, किसी को माफिया कर, कोर्ट तय करेगा माफिया कौन है, हम आप नहीं तय कर सकते हैं, कोर्ट तय करेगा माफिया कौन है, बदमाश कौन है, कौन गुंडा है, कौन क्या है। लूजर चले हैं, अफजाल अंसारी ने यहां तक कहा कि
सरकार ने मुझको काम ही नहीं करने दिया। कुछ वो लोग मुझको मुकदमे में उलझाए रखे, लेकिन इस बार का समीकरण क्या होगा, अपना पूरा परिचय। गाजीपुर के श्यामल सुंदर माठी, जो गहमरी साहब का सपना था, सिन्हा जी ने करीब करीब 80% पूरा कर दिया। बाद के दिनों में ये 5 वर्षों में गाजीपुर असहाय और कलपता हुआ दिखाई दिया। आज भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका रीजन ये है कि गरीबों तक अनाज, सुशासन और ये मकान, रोड, सड़क मिला। गाजीपुर एक तरीका से सातों विधायक और संसद के न होने पर असहाय सा था, तब भी एक पछिया कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माहौल क्या इस बार होगा? माहौल होगा, इस बार गठबंधन टूट चुका है। लाख प्रयास के बाद भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी आएगा 1 से 1.5 लाख वोटों से विजयी होगा। और यहाँ पे अफजाल अंसारी जी ने कहा कि जो हर घर स्वच्छ जल की योजना थी, अफजाल अंसारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ यही कहा कि 5 गांव आप गिना दें, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा है कि गाजीपुर का जो नेतृत्व रहा है वो इतना भ्रष्ट रहा है कि उसके आज भी कार्यकर्ता, आज भी कर्मचारी उसी में संलग्न है। बिना घूस का उनका काम चलता नहीं है। बिना जीत क्यों जाते हैं अफजाल अंसारी? अब यहाँ ऐसा है कि जीतने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि गठबंधन था जिसमें 2.25 लाख वोट बहुजन के थे, और ये गठबंधन ने मनोज सिन्हा को हराया, वरना 3 लाख 33 पर इन्होंने संसद बन गया था मनोज सिन्हा ने जी ने। अब 4.5 लाख पर हार होती है। अब गठबंधन का बिखराव और लाख प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का परचम तो हमको लग रहा है कि 80 पर 80 जो कह रहे हैं, जब वो 300 कहते हैं तो 310 सीट मिलती है। दोनों गठबंधन के बाद 4 सीट पर सिमट गई थी, यही सपा 4 सीट पर सिमट गई थी, जबकि बहुजन और सपा का गठबंधन था, लेकिन लोगों ने सुशासन को पसंद किया है। आप जब छोटे हुआ करते होंगे और यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों के बाप दादा बैठे हैं, इन लोगों को जानकारी होगी क्या चीनी की चोरी नहीं हो गई? कोटे के दुकान पर बहुत सस्ते दामों में चीनी मिला करता था हम लोगों को, गरीब लोगों को केरोसिन का तेल मिलता था। आज अगर जहाँ बिजली हम लोग नहीं पहुंच पाता है सिवान के खेत में, वहाँ केरोसिन का तेल कैसे आप वहां से ऊर्जा मतलब प्रकाश में कैसे हो पाएंगे रात में, आप बताओ। आप चोरी हुआ है, 5 किलो आप राशन फ्री देते हो, पहले भी राशन फ्री मिलता था, बहुत लोग राशन फ्री लेते थे, लाल कार्ड हुआ करता था, पीला कार्ड हुआ करता था, सफेद कार्ड के 3 प्रकार होते थे, उन तीनों प्रकारों में आप बताओ सुशील जी कि जो चोरी हुआ कि नहीं हुआ। किसान की जहां तक बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थे अखिलेश यादव जी की, सिंचाई मुफ्त कर दिया था उन्होंने, पूरे प्रदेश के किसानों का कितना बड़ा बोझ वो लेके चल रहे थे, और कोई सरकार जो घाटे में नहीं चल रही थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और इन्होंने क्या किया, उस किसान के बोरी से 10 किलो वो डाई और यूरिया चुरा लिया उसमें से, बोरी जस का तस रह गया। एक मानसिक रूप से उसको जो घटा दिया कि हम आपके जो है दाम घटा दिए। सुशील जी, उन्होंने ऐसा किया कि 10 किलो चुरा करके हमारा जो है यूरिया और दाम जस का तस छोड़ दिया, 10 रुपया बढ़ाया उसमें से, घटाया दाम नहीं घटाया, यूरिया हमारा घटा दिया। सब बने जीतने के लिए, देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा का कोई आ जाए, जो अफजाल अंसारी को टक्कर दे, हाँ उनको टक्कर दे, चुनाव कराओ, देखो चैलेंज है आपस में लड़ी, बस जो पूछ रहे हैं मौका दिया जाएगा। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ईवीएम श्री प्रकाश सिंह, ग्राम बवाड़ा। माहौल क्या होगा इस बार? माहौल वही जन 7 सीटियां ले गए, वही हुई फिर हो जाए के ले गए, अबे भाई सपा ने ले गई, ए बार का हुई वही जाए या फजा ले जी। हाँ अरे बाप रे बाप, कौन क्या कहेंगे? हम ना बोलिए भैया। हाँ आप क्या कहेंगे, अपना पूरा नाम बताएं। विनोद कुमार यादव। क्या होगा इस बार माहौल? इस बार सपा जीत रही है। सपा अफजाल अंसारी जीत रहे हैं? अफजाल अंसारी जीत रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वो मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, मसीहा है। कोई माफिया भी कहता है? माफिया तो गेहूं का हमारे चोर नहीं खेता, दिखा कर चोर हो जाए, चोर तो हो ना जो हम चैलेंज दे रहा हूँ, ईवीएम हटा कर चुनाव लड़े तब देखे।
मुकाबला कौन करेगा इस बार? अफजाल से अफजाल अफजाल निकल रहा है कि ब्रजेश सिंह, शायद ब्रजेश सिंह आ रहा है। कोई नहीं टक्कर में है, कोई नहीं टक्कर में है, गाजीपुर के अंदर कोई नहीं टक्कर में है। आप आपका नाम क्या है? पवन यादव। कौन माहौल क्या होगा इस बार? इस बार सपा जीत रही है। जीत रही है जी। विकास विकास कुछ हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या हुआ? हम बात करें तो सीधे आ जाते हैं, आप गाजीपुर से आ रहे हैं, रोज आना जाना है आपका जी। और अगर मैं आपसे पूछूं आपका पूरा परिचय क्या है? मैं संजय सिंह पटकनिया गांव का रहने वाला हूं। संजय सिंह, ये माहौल क्या होगा गाजीपुर का इस बार? वही होगा, पुराना होगा। पुराना होगा हाँ। मतलब यहाँ से किसका पहला बारी? हमेशा हमेशा यहाँ का समीकरण जो है ना, यादव मुस्लिम गठजोड़ है, तो चुनाव यहाँ गठजोड़े। लेकिन गेरुआ है साथ में? गेरुआ है तो गेरुआ हम ढोंगी वाले नहीं ना है, ये सब ढोंगी वाले है। तो इस बार का समीकरण क्या होगा? बस वही होगा जो पहले था, निश्चित। धन्यवाद। और भाई देखिए इधर से आप क्या कहेंगे, माहौल क्या है इस बार? अरे सपा जीत रही है भाई साहब। जीत रही है, एकदम जीत रही है। लोग भाजपा कह रही है कि 400 के पार इस बार। अरे झूठ मूठ का कहना दो, सपा क्या होगा इस बार? चाचा हम भैया कुछ नहीं, यहाँ गाजीपुर के इतना जनता खराब है कि अभी बिरादरी जब आ जाती है तो अभी अपने बिरादरी पर चढ़ जाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारे चंद्रधन सिंह। 20 से 25 हजार उनका वोट समाहित था, क्योंकि उस समय विधानसभा में सपा के साथ थे। तो ओम प्रकाश राजभर का फायदा है भाजपा को? हाँ, भाजपा का फायदा है भैया। आप कैसे कह रहे हैं? आप नहीं, कुछ नहीं फायदा है। क्यों नहीं फायदा है? वो दल बदलने नेता है, इधर जब उधर बराबर जाता आता रहता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं। योगी जी ने मंत्री बना दिया। मंत्री बन गया ठीक है, बनने दो, लेकिन उनका वैल्यू नहीं है। गाजीपुर में तो 1% उनका वोट नहीं है। उन्हीं के दल के जो नेता है और माननीय अनिल राजभर जी मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा है कि राजभर जी अब आप मंत्री हो गए हैं, कृपया अपने हद में बोलें, ज्यादा बोलने से जो है माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आप जो है कम बोलें। जैसा उन्होंने पीयर का गमछा लगा करके थाने पे जाने की बात कहा था, जिस तरह से खुश है अफजल एकदम फर्स्ट क्लास। मुकाबला क्या होगा फिर? मुकाबला कोई नहीं है, सिन्हा जी अगर आते तो थोड़ा बहुत मुकाबला होता, थोड़ा बहुत थोड़ा हो। इसके बाद मुकाबला कहीं नहीं। आपका नाम क्या? मनोज कुमार सिंह। एक एक मिनिस्टर बने हुए हैं केंद्र में जो एकदम बिल्कुल गरीब वर्ग से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कम लड़ती है, सिलेक्शन ज्यादा करती है। यहाँ जो आपने राज्यसभा की बात कही है, वो एक ऐसी नेत्री है कि जो कवित्री भी है, पीएचडी भी है, हो चुकी है, एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। सबकी निगाहें हैं कि आखिर बनारस में बगल में है मोदी जी और कुछ ही किलोमीटर के बगल में है गाजीपुर, लेकिन वोट बैंक यहाँ का माहौल बिगड़ सा जाता है। और अगर हम कहें अंसारी बंधुओं का गढ़ सा माना जाता है, 85 से लेके अब तक अफजाल अंसारी लगातार राजनीतिक वर्चस्व रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जो लोगों की राय थी, भाजपा से मनोज सिन्हा ही लोगों की पहली पसंद है। लोगों ने अफजाल अंसारी के कार्यों को भी बताया, आगे का माहौल क्या होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं सुशील तिवारी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।